खबर है मेरठ से। मेरठ में कपड़ा व्यापारी को स्पीड पोस्ट के माध्यम से किसी ने धमकी दी है। धमकी देने वाले ने पत्र में लिखा है कि 25 लाख का इंतजाम कर ले वरना ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। पत्र में रुपये कब और कहां लाने हैं इसका भी पत्र में जिक्र है। पुलिस से बताने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। इससे भयभीत व्यापारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शास्त्री नगर निवासी श्याम सुंदर का कोतवाली थाना क्षेत्र के खंडक बाजार में श्याम प्रिंट नाम से शोरूम है। शुक्रवार दोपहर उनके पास एक स्पीड पोस्ट के माध्यम से पत्र आया। उनमें 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। पत्र में लिखा है कि श्याम सुंदर, तुमने बहुत रुपए कमा लिए हैं, अब कुछ हमें भी दे दो। आगामी 20 तारीख को रुपए लेकर कंकरखेड़ा क्षेत्र में पहुंचने की बात कही गई है। इसकी जानकारी कारोबारी ने संयुक्त व्यापार संघ में मंत्री अंकुर गोयल और अन्य को दी। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में व्यापारी उनके पास पहुंच गए और पूरे मामले की जानकारी ली। इसके बाद सभी एकत्र होकर कोतवाली पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि कारोबारी ने रंगदारी मांगने की तहरीर दी है। पुलिस जांच में जुटी है। पीड़ित कारोबारी ने बताया कि 3 साल पहले भी ऐसी ही एक चिट्ठी उनको मिली थी, तब भी किसी का बताने का जान से मारने की धमकी दी थी। डर के चलते उन्होंने किसी को नहीं बताया था, पुलिस से भी शिकायत नहीं की थी और रुपये भी नहीं दिए थे। उल्लेखनीय है कि इस तरह से खुलेआम धमकी भरे पत्र के कारण पूरे कपड़ा बाजार में व्यापारियों में दहशत का माहौल है।